तो स्वागत है आप सबका लर्निंग के एक और नए वीडियो में। वीडियो बात करने वाले हैं आज के ट्रेड के बारे में, कहाँ पर एंट्री बनाया, क्या देकर के एंट्री बनाया, क्यों एंट्री बनाया, सारा चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, पूरा देखना वीडियो अच्छे से तो पता चलेगा। आज क्या हुआ हमारे साथ, हमने एंट्री बनाया, ठीक है, मार्केट अचानक भाई 3 PM कैंडल जितना भी प्रॉफिट था, ठीक है, सब मेरा लेके चला गया। रीज़न क्या था सब कुछ आपको चार्ट पे दिखाएंगे। बाइंग करने का भी मेरा वहाँ पे आइडिया क्या था वो भी मैं पूरा लॉजिक आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पे पूरा कपड़ा, ठीक है, ट्रैप हुआ है जो कि 3 PM कैंडल के वजह से यहाँ पे हुआ है। बट मेरा जो प्लान था, जो मेरा टारगेट था, वो आपको वीडियो जो देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा। तो कुछ आपको पॉइंट यहाँ पे निकल के मिलेगा कि मार्केट क्या है, स्लो है लेकिन बाइंग थोड़ी सी स्पीड में आ रही थी। तो ये सब पॉइंट थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा चार्ट पे, तो आप देख लेना। और थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम दिखाऊंगा कि बड़ा टाइम फ्रेम, ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम कैसे काम करता है। फिर फ्यूचर का भी चार्ट मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया मिलेगा कि फ्यूचर के चार्ट पे जो है प्रीमियम मोमेंट करते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि फ्यूचर के चार्ट पे ही अपना ऑप्शन और फ्यूचर मोमेंट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि उनको भी सीखने में हेल्प मिल पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ध्यान से देखते हैं, वीडियो मिस मत करना, पूरा वीडियो देखना ध्यान से। तो दोस्तों मार्केट काफ़ी टाइम रेंज में है, ठीक है, एक यहाँ पे बाउंस दिख रहा है तो हम यहाँ पे अप साइड का एक प्लान करेंगे काफ़ी टाइम से। बाकी ऊपर भी रेजिस्टेंस है एक, तो यहाँ पे क्वांटिटी हम कम रखेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क में एंट्री है बट सपोर्ट है डाउन साइड में, ठीक है। सपोर्ट मार्केट यहाँ पे ले चुका है, बाउंस तो कर रहा है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, एक्सपायरी है निफ्टी का, बस नेक्स्ट में करेंगे। 300 क्वांटिटी यहाँ पे हमारा 38,000 पर लग रहा है भाई, एंट्री कर चुके हैं। चलो देखो एंट्री करने का रीज़न क्या है कि काफ़ी टाइम के बाद में, ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी कैंडल हमको दिख रही है, मतलब रनिंग कैंडल में एंट्री बना ली है यहाँ पे। और इसी कैंडल के नीचे का, ठीक है, हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस, मतलब डाउन साइड में, क्योंकि सपोर्ट वही है। सिंपल सा ट्रिक अभी सामने जो दिख रहा है आपको चार्ट में, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये हमारा देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा लॉस में दिख रहा है 78 के आसपास, 56। तो चलो कैंडल तो क्लोज कर दिया है यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में, और 101 रुपये का प्रॉफिट, जो भी लॉस है थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन में। नेक्स्ट कैंडल आई है बट जो बैक वाली कैंडल, मतलब पीछे जो कैंडल क्लोज किया है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे, तो ठीक है मार्केट तो सपोर्ट पॉइंट पे ही है अभी के लिए। डाउन साइड में से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर निकलने की तैयारी पे है, लेकिन हमारे पास में, ठीक है, हम यहाँ पे इंट्राडे में प्ले कर रहे हैं, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से पॉइंट क्या है कि मार्केट रेंज में काफ़ी टाइम तक था, एक बड़ी कैंडल है, बस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कैंडल आपको दिख रही है कि बड़ी कैंडल है, और उसके हाफ के ऊपर ही प्राइस अभी अटका है। तो चलिए ठीक है, देखेंगे यहाँ पे हमारा, हम लोग का जो यहाँ पे चल रहा है 228 के आसपास लॉस में चल रहा है, 168 के आसपास हो गया, तो भाई मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर स्लो है। चलिए तो देखेंगे, ठीक है, 130 के भाव में बाइंग हुआ है यहाँ पर, और अभी के लिए हम लोग 251 के प्रॉफिट में। तो चलो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, तभी प्रॉफिट होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, लॉस ही होगा। चलो कैंडल थोड़ा सा ऊपर निकला है, 700-800 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, निकल जाएगा ऊपर, ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा दिख सकता है। और क्वांटिटी तो कम ही है, अब क्वांटिटी बढ़ाने का भी प्लान करेंगे, बट भाई प्रॉपर अगर दिखेगा तभी, नहीं तो गलती नहीं करना है। ठीक है, चलो देखेंगे यहाँ पर ये मार्केट है ना, अगर देखेंगे तो इसके बैक में इस पॉइंट पे भी सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया है, बड़ी कैंडल यहाँ के इसके ऊपर भी है, ये रेंज बना है। तो अगर आप देखेंगे, ठीक है, काफ़ी टाइम मार्केट रेंज रहा है, रेंज के बाद में फिर से मतलब एक बाइंग आ रही है, तो ये भी प्लान देखो माइंड में था कि ठीक है पीछे में क्या हुआ है बैक साइड में, कि थोड़ा सा मार्केट बाइंग में आ रहा है, फिर रेंज में जा रहा है, फिर बाइंग में आ रहा है, उसी को देख करके यहाँ पे एक एंट्री बनाया गया है। और भाई प्रीमियम ऊपर है और चार्ट नीचे, थोड़ा सा फ्यूचर का चार्ट यहाँ पे खोलना पड़ेगा। ये देखो निफ्टी का चार्ट है स्पॉट प्राइस, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम ऊपर है ना, यहाँ पे ग्रीन में है हमारा भाई पोजीशन, और कैंडल उतना ऊपर नहीं है जितना होना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो दो चार्ट होता है, एक फ्यूचर का होता है, एक होता है नॉर्मल चार्ट स्पॉट प्राइस। तो फ्यूचर के ऊपर अगर हम खोलेंगे चार्ट को, देखना पड़ेगा 1400-1500 का प्रॉफिट चल रहा है, तो क्या वहाँ पर दिख रहा है। तो कॉर्नर में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर निफ्टी है, ये देखो फ्यूचर अभी लगा दिए हैं, ये फ्यूचर, फ्यूचर में देखेंगे स्ट्रॉन्ग कैंडल है ऊपर जा रही है जो, तभी प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग का 1700 के आसपास में भाई दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर बेस पे ही आपका जो प्रीमियम होता है वो मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, हम लोग का जो प्रॉफिट है अभी 1600 के आसपास में चल रहा है, 1300, कैंडल तो ऊपर स्ट्रांग है, अगर निकल जाएगी तो भाई समझो कि गेम चेंज हो जाएगा यहाँ पर, और ऊपर तो मार्केट जा रहा है। चलो जो टारगेट है, ठीक है, उसके लिए वेट करेंगे यहाँ पर, वैसे हम अभी जल्दबाजी नहीं करना है ट्रेड से कि बाहर हो जाए, वेट करेंगे थोड़ा सा। स्कैल्पिंग नहीं है, स्कैल्पिंग होता तो भाई फिर समझो कि अपना प्लान थोड़ा सा क्या है कि फास्ट में क्वांटिटी ज़्यादा रख करके स्कैल्पिंग करके निकल जाओ। प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 2000 के आसपास चल रहा है, तो मूवमेंट कर रहा है भाई फ्यूचर पूरा का पूरा यहाँ पे। बट यहाँ पे जो मेन चार्ट है ये भैया पूरा का पूरा अभी दिख रहा है कि उतना तगड़ा मोमेंटम में नहीं है,
चलिए 2300 का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे, 3000 का प्रॉफिट भाई दिख गया, कैंडल अभी ऊपर इसका आ रहा है, बट फ्यूचर में पहले से ही मोमेंट चल रहा है यहाँ पे। तो 2900, 3600 का प्रॉफिट, 3700, 3500 का प्रॉफिट भाई, 3800, 3700 मतलब करीब 4000 के आसपास सोचो, यहाँ पे राउंड लेवल पे हम लोग घूम रहे हैं फिलहाल में। 39, चलो 3400, तो देखेंगे मार्केट। ठीक है, कैंडल तो क्लोज कर दिया है, ये 3 PM कैंडल है भाई, ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर निकल जाए, जगह थोड़ी सी तो है, तो यहाँ पर और अच्छा प्रॉफिट दिख सकता है। ठीक है, चलो बुक तो नहीं करेंगे, बोले पहले कि स्कैल्पिंग नहीं है, थोड़ा सा वेट करेंगे भाई। नीचे आ रही है कैंडल, ये फ्यूचर वाला है चार्ट। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे मार्केट थोड़ा सा दिखा रहा है डाउन साइड में, और आ गया नीचे भाई, पूरा प्रॉफिट जो है, ठीक है, पूरा प्रॉफिट यहाँ पे ख़त्म होता हुआ देख रहे हैं। दो कैंडल कितना आराम से गया, एक कैंडल पूरा यहाँ पे गेम चेंज कर दिया। चलो देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे स्लो है एप्लीकेशन भी, तो मैं न्यू वाले में आपको दिखा दूंगा अभी भाई। चलो 1000 का प्रॉफिट, 1200 का थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा है डाउन में, तो ऐसे कैंडल बड़ी आ रही है, देखेंगे तो 3 PM का कैंडल है। अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर देगा भाई, तो फिर हमें यहाँ पे निकलना भी पड़ेगा। ठीक है, और अगर रिजेक्शन लेकर के मार्केट ऊपर जाती है, तो समझो कि ठीक है, हमारा जो भी सिस्टम है वो हम होल्ड करेंगे ट्रेड को, और फिर बट अगर नीचे क्लोज कर दिया बड़ी कैंडल, तो फिर समझो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेड को अपने छोड़ना पड़ेगा। तो चलो, कैंडल तो अभी क्लोज नहीं किया है, अभी तो आ रही है डाउन साइड में, देख रहे हैं प्रॉफिट अच्छा खासा था। ठीक है, वहाँ पे 3300 क्वांटिटी के साथ में हम लोग का प्रॉफिट करीब आपने देखा कि 4000 के आसपास में था, बट 3 PM यहाँ पे गेम चेंज। ये फ्यूचर का चार्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि फ्यूचर के चार्ट पर भी कैंडल रिवर्स किया है। ठीक है, डाउन साइड मतलब आ रहा है यहाँ पे, देखेंगे तो चलिए 543 के आसपास यहाँ पे लॉस में आ गए, पूरा का पूरा भाई ख़त्म हो गया, एक कैंडल पूरा गेम चेंज कर दिया। चलिए तो कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पे करता है, ये प्लान करेंगे। बाकी सपोर्ट भी है, ये सपोर्ट भी हम बना देंगे। मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज भी कर देगा, तो हो सकता है कि रेंज में चला जाए। ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि रेंज तो है यहाँ पे, फिर से अगर नीचे आ गए भाई, कैंडल ऊपर आना चाहिए, आ गई नीचे, तो क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं, बस अपना प्रेडिक्शन है, स्टॉप लॉस है। ठीक है, उसी पर स्टिक रहेंगे, देखेंगे क्लोजिंग का वेट करेंगे 3 PM। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है क्लोज, तो फिर हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अगर रिजेक्शन लेकर ऊपर चली आती है, तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है, और भी प्लान करेंगे क्वांटिटी ऐड करने का। इसको भी ब्रेक कर दिया है नीचे, नीचे में सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का ही है, वैसे ट्रेंड लाइन में मैं, ठीक है, और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करने का भी मतलब प्लान कर सकता हूँ, बट लेकिन मैं रिजेक्शन दिखेगा तब उसके बाद में कर सकते हैं। और पहले से मन में था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करेंगे। आप खुद सोचो कि 300 ही क्यों लिया, रीज़न उसका क्या है निफ्टी में लेने का, तो भाई यहाँ पे मैं 1000, 1200, 1500 भी ले सकता था क्वांटिटी, लेकिन 300 ही क्यों, क्योंकि रिस्क में पहले से दिखा ट्रेड इसके लिए। बट प्लान था कि ऊपर साइड में टारगेट जो है वो मिल जाए, अगर कम क्वांटिटी से मिल जाए तो यार क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट लेकिन फिर भी अच्छा दिखा था। चलिए तो हम लोग आ गए 1600 के आसपास लॉस में, 1700। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग का कैंडल क्लोज के टाइम, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर रही है, तो क्या करेंगे, यहाँ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा वेट यहाँ पे करना नहीं है, तो कैंडल डाउन साइड में। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे आ गई है, अब से सपोर्ट के पास में है, बट कैंडल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पोजीशन को यहाँ पे स्क्वायर अप करेंगे। चलो तो सीधा सीधा प्लान करते हैं, यहाँ पे ट्रेड से बाहर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल देखो कैंडल क्लोज करने वाली है, और क्लोजिंग का ही वेट कर रहे थे, तो मार्केट अभी कैंडल क्लोज कर दिया, चलो बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई पूरा प्रॉफिट ख़त्म होकर के लॉस बुक हुआ, 1611 रुपये का यहाँ पे लॉस हमें मिला हुआ है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का लॉस जो गया है, अगर देखेंगे तो 1600 का हुआ है। चलो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ न्यू वाले में, ठीक है, आप स्टॉक में, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ओल्ड और न्यू दो एप्लीकेशन होते हैं, तो फटाफट। ठीक है, न्यू वाले चलते हैं, देखो ये न्यू वाला है, यहाँ पे चलते हैं ऑर्डर पे, तो ऑर्डर आपको दिखा देते हैं, ऑर्डर देख लीजिएगा, तो ये देखेंगे ऑर्डर क्लोज किया हुआ है, मतलब ठीक है, जो बाइंग सेलिंग का टाइमिंग है ओपन क्लोज, मतलब 300 क्वांटिटी साथ में हुआ है, लॉस यहाँ पे 1611। चलो समझते हैं लॉजिक क्या था ट्रेड लेने का, ध्यान से समझना तो पता चलेगा। तो चलो समझते हैं ट्रेड लेने का पीछे का लॉजिक क्या था। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे मार्केट भाई, ठीक है, हमारा यहाँ पे लॉस करा करके सीधा ऊपर चला गया, जो हमारा टारगेट था, ठीक है, अभी मिल रहा है, अगर ये कैंडल नहीं आती तो प्लान अच्छा होता, बट कोई बात नहीं। चलो लॉजिक समझते हैं कि मार्केट में हमने एंट्री क्यों बनाया था, उसके पीछे का रीजन क्या है, थोड़ा सा अगर देखेंगे। ठीक है, हमारे पास में एक प्लान है यहाँ पे कि देखो बाइंग क्या हो रहा है, मार्केट में बाइंग आ रही है, फिर उसका मार्केट क्या है, यहाँ पे रेंज में चला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर एक बाइंग आ गया, फिर मार्केट रेंज में चला गया, उसके बाद देखेंगे, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, थोड़ी बड़ी कैंडल है, बट यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन है। ठीक है, ये प्लान थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि कैंडल में जब रिजेक्शन होता है, ठीक है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो हमने क्या किया, काफी टाइम मार्केट यहाँ पे रेंज में दिखा, उसके बाद भाई ठीक है, देखेंगे कैंडल के हाफ के पॉइंट पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ना,
तो यहां पर देखेंगे हमारे पास में ये जो कैंडल आई है, ठीक है, ये कैंडल आया, इसके बाद में नेक्स्ट कैंडल ये वाला, जब बड़ा कैंडल दिखा तब आपने देखा थी कि हमने यहाँ पे एंट्री बनाया था। क्यों एंट्री बनाया था? क्योंकि ये कैंडल थोड़ी सी बड़ी थी, ठीक है, इसका हाई ब्रेक कर दिया, मतलब कैंडल ऊपर चली गई, तो हमने यहाँ पे रनिंग में एंट्री बना लिया। स्टॉप लॉस क्या रखा? यही स्टॉप लॉस रखा, ठीक है, यहाँ पे। चलो इसके स्टॉप लॉस से क्या करते हैं, एक एंट्री बनाते हैं यहाँ पे अपने सिस्टम के हिसाब से। क्या सिस्टम यहाँ पे है, बस एक ही ट्रिक अगर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास क्या यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये क्या है ट्रेंड लाइन देखेंगे यहाँ पे है, ट्रेंड लाइन पे आ गई बड़ी कैंडल भाई, क्लोज भी कर दिया। उसके बाद मैंने क्वांटिटी सिर्फ 300 रखा, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है, ठीक है, ऊपर गया भाई, जैसे ऊपर गया यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखा अच्छा खासा, मतलब 4000 तक का प्रॉफिट हमें देखने को मिला। तो हमारा प्लान क्या था यहाँ पे, हमने यहाँ पे 300 क्वांटिटी के साथ में अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या था, हमारा टारगेट क्या था भाई, 350 का टारगेट था यहाँ पे, ठीक है, ये टारगेट के लिए हम यहाँ पे प्ले किए थे कि चलो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो क्या होगा पैसा बनेगा। लेकिन मार्केट यहाँ पे आज क्या किया भाई, 3 PM कैंडल, ठीक है, पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया, उसके बाद फिर यहाँ से रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पे निकलने का रीजन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये प्लान नहीं था कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आएगा, वो तो अलग गेम है, आता कि नहीं आता ये तो फिर लेवल के बारे में पता चलता है, जब इसके नीचे ब्रेक करता, ठीक है, तब। लेकिन मैं ये प्लान था कि मार्केट देखो ये रेंज है, ठीक है, निकलने का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये रेंज है, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज कर दिया, रेंज में फंसा, तब पर भी क्या होगा, प्रीमियम से डीके होगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं। हालांकि हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में थे, लेकिन क्या किया यहाँ पे भाई, सीधा सीधा अपना मतलब पोजीशन काट ही दिया, क्योंकि एक प्लान था यहाँ पे कि मार्केट अगर में ये कैंडल आ रही है, ठीक है, अगर रिजेक्शन दिखाता यहाँ से तो हम क्या करते, क्वांटिटी यहाँ पे और भी ऐड कर देते, कोई दिक्कत वहां पे हमें नहीं होता, ऐसे करके देखो यहाँ पे, ठीक है, तो पता चलेगा। लेकिन कैंडल कैसा क्लोज किया यहाँ पे, सीधा भाई स्ट्रांग कैंडल नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है, मतलब ट्रैप में फंस गए यहाँ पे, ये 3 PM कैंडल सीधा ट्रैप कर दिया। बाकी हमारा एनालिसिस क्या था कि हमारा टारगेट जो है, ठीक है, यहाँ तक था टारगेट 350, लेकिन मार्केट ने भाई इस लॉस कराने के बाद में टारगेट पे गया है। तो कभी कभी हो जाता है, ठीक है, कि मतलब मार्केट क्या है आपके अगेंस्ट में, ठीक है, कभी कभी कैंडल बड़ी ला देती है, तो वहां पे क्या होता है पोजिशन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि पहले से प्लान था ये चीज की भाई देखो अगर ये स्ट्रांग कैंडल क्लोज करेगा निकलना पड़ेगा, अगर रिजेक्शन दिखाता है यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो हो सकता है कि यहाँ पे क्वांटिटी मैं और ऐड करता। और वेट करने का रीजन क्या था, कभी कभी कैंडल नीचे आती है, ठीक है, फिर सीधा ऊपर जाती है, ये भी प्लान था माइंड में कि मतलब ये भी हो सकता है कि मतलब नीचे आ रही है बड़ी कैंडल, फिर हो सकता है कि भाई डाउन साइड में आकर के ऊपर जाके क्लोज कर दे। तो हमारा अगर देखेंगे, ठीक है, हमारा लॉजिक सिर्फ इतना था, स्ट्रांग कैंडल को देख करके यहाँ पे पोजिशन में काटना पड़ गया, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर वेट करते, ठीक है, जो ट्रेंड लाइन में लगाया था वहां पे, तो यहाँ पर मैं और वेट करता, बाकी ये जो कैंडल है, ठीक है, क्लोज करने के बाद नीचे आइए देखो, ठीक है, फिर जाके ऊपर यहाँ पे हैमर बना दिया है, हैमर बनाने के बाद में क्या है, फिर मार्केट यहाँ पे बाउंस करके जो अपना टारगेट है उसको पूरा यहाँ पे दिया है। तो सीधा सीधा मतलब मार्केट में 3 PM क्या किया है, आज सीधा ट्रैप किया है, और इस ट्रैप में क्या किए हैं भाई, पूरा का पूरा फंस गए हैं, इसलिए यहाँ पे हमें ट्रेड को काटना पड़ गया। कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी मार्केट में होता है, लॉस भी देना पड़ता है, ट्रेड सही होने के बाद भी यहाँ पे लॉस, ठीक है, ऐसा ट्रेड बहुत कम देखने को मिलता है, ये वाला पॉइंट। कभी कभी कैंडल क्या होती है कि आता है डाउन में, ठीक है, फिर सीधा ऊपर। और थोड़ा सा मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, कि बाइंग साइड का ही मतलब प्लान क्यों किया था। यहाँ पे प्लान करने का रीजन देखो क्या था कि 350 का लेवल, ठीक है, ये ऑब्जर्व करो टारगेट कैसे था यहाँ पे कि मार्केट में बड़ी कैंडल है, फिर यहाँ पे कुछ टाइम मार्केट रुका, फिर डाउन साइड में सेलिंग आया, फिर एक बाइंग, यहाँ पे एक बाइंग कैंडल देखेंगे बड़ी आपको दिखेगा, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। और इसका अगर हाफ कर देंगे तो सारा कैंडल क्या है इसके ऊपर ही है, प्राइस नीचे नहीं आ रही है, ये देखेंगे, ठीक है, एक जो 15 मिनट कैंडल है मतलब नीचे आया, वही 3 PM कैंडल नीचे लेके आया, ऊपर क्लोज कर दिया, फिर जाके भाई ये वाला कैंडल नेक्स्ट में आपको क्या किया है, पूरा टारगेट दिया है। तो प्लान बाइंग साइड का था, ठीक है, अगर यहाँ पे फ्यूचर होता है इसको मैं होल्ड कर सकता था, लेकिन मैं ऑप्शन को ज्यादा होल्ड नहीं करता हूँ, प्लान पहले से माइंड में फिक्स होता है, अगर स्टॉप लॉस दिख गया, ठीक है, तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये बड़ी कैंडल आती है, ठीक है, फिर उसका क्या है मार्केट कैंडल के हाफ के स्टॉप लॉस से सेल भी करते हैं, डाउन में निकल जाता है, तो ये भी प्लान माइंड में चलता है। तो सिंपल सा ट्रिक था यहाँ पे निकलने का रीजन यही था, थोड़ा सा अगर मैं ट्रिक लगा था, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है बड़ी कैंडल डाउन साइड में आया फिर रिवर्सल, ये वाला प्लान, ठीक है, मुझसे मिस हुआ है, नहीं तो सर मैं यहाँ पे निकलता नहीं और सर क्वांटिटी यहाँ पे और ऐड करता, थोड़ा वेट करता और। लेकिन ये दिमाग में नहीं आया कि मतलब सेलिंग हुआ है फिर बाइंग आ रही है, मतलब बड़ी कैंडल डाउन साइड में आया है फिर बाइंग, और वही यहाँ पे दोहराया गया है, एक देखेंगे क्या है डाउन साइड में आया तो ये बाइंग, तो मेरी गलती यहाँ पे थी, ये मेरी निगाह में नहीं आया, नहीं तो शायद मैं यहाँ पे निकलता नहीं और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करता फिर और वेट करता थोड़ा सा, ठीक है, ये भी प्लान था। इसके नीचे की बात करेंगे, ठीक है, सपोर्ट तो यहाँ पर ये भी था हमारे पास में, तो बहुत सारा रीजन होता है, ठीक है, कि निकलने के लिए, क्योंकि जब आप ट्रेड में गलत साबित हो जाओ, ठीक है, तो निकल जाओ अपने हिसाब से, वो सही है, भले फिर आपको अगेन मिल जाएगा एंट्री, अलग बात है, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ पे ब्रेक किया है, इसके ऊपर गया है, ठीक है, इसके नीचे आता भाई तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ब्रेक किया है जिसे पैसा अच्छा दिखा, लेकिन उसके बाद 3 PM स्टार्ट हुआ सीधा सीधा नीचे,
तो हो गया गेम चेंज, पूरा कहानी खत्म, 3 PM भाई जो भी प्रॉफिट था सब ले लिया। तो दोस्तों आपने देखा ठीक है, हमने यहाँ पे एंट्री बनाया, उसके बाद भाई क्या हुआ, एंट्री बनाने के बाद में मार्केट सीधा सीधा भाई प्लान क्या किया था हमने कि हमारा जो टारगेट था 250 का पॉइंट, मतलब ठीक है 350 का जो पॉइंट था हमारा वो मिले, लेकिन मार्केट किया क्या, 3 PM कैंडल डायरेक्ट नीचे आ गया, लेकिन भाई उसके बाद फिर से मार्केट सीधा रिवर्स करके गया अपने टारगेट के पास में। तो ऐसा ठीक है ट्रेड हमारे साथ हमें लगता है कि मतलब ज़्यादा मिलता नहीं है, अगर 100 बार ट्रेड करोगे तो 2 से 3 बार बस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कैंडल जो आई ना स्ट्रांग कैंडल आ गई, जब स्ट्रांग कैंडल नीचे आ गई तो भाई देखो जो प्रॉफिट था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि प्रॉफिट खत्म तो हुआ बट कैंडल स्ट्रांग क्लोज कर दिया, मतलब बड़ी कैंडल अगर नीचे से रिजेक्शन वगैरह भी दिखा देता तब पर भी वहाँ पे हम रुक जाते, ठीक है होल्ड तो कर ही देते, ऐसी कोई बात नहीं, पहले से माइंड में था अगर वहाँ पे रिजेक्शन नहीं दिखाएगा मतलब कैंडल स्ट्रांग तो बाहर हो जाएंगे, ये प्लान आपका फिक्स होना चाहिए। अब आपको लगेगा कि यार अगर होल्ड करते तो प्रॉफिट बनता, हमको ही पता है ठीक है, चार्ट बन गया ठीक है तब आपको दिख रहा है, अगर वहीं से नीचे आता तब क्या होता, तो बड़ा लॉस होता। तो सारा पॉइंट अपना फिक्स होना चाहिए, आपका एंट्री आपका स्टॉप लॉस लग जाए तो पहले निकल जाओ, प्रॉफिट में रुक जाओगे चलेगा, स्टॉप लॉस अगर जाता है भाई ठीक है माइंड के हिसाब से, अगर आपका जो एनालिसिस है अगर वो आपको दिख जाता है कि हाँ भैया चलो यहाँ पे कैंडल का स्ट्रांग क्लोज कर दिया तो वेट मत करो, भले यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया अलग बात है, प्लान के हिसाब से चलोगे तो पैसा आपको मार्केट देगा, क्योंकि हमेशा बार बार ये नहीं होता है जो आज हुआ है। तो ये सब पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, जो वो प्रॉफिट था पूरा का पूरा प्रॉफिट यहाँ पे खत्म हो गया, बट कोई बात नहीं हमारा एक छोटा सा लॉस यहाँ पे हुआ, क्वांटिटी मैंने कम रखा हुआ है, बस जो प्रॉफिट मिला था वहाँ पे करीब 4,000 तक आसपास में उसको मैं बुक करता, लेकिन स्कैल्पिंग का ये ट्रेड नहीं था, प्रॉपर ट्रेड था कि मिल जाएगा टारगेट तो भी तो अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे बन सकता था। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छा लगा, सच में वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर मिलता हूँ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सियाराम, जय हिंद, वंदे मातरम।